साथियों नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लाइव दीवान सिंह शेरगढ़, और इनसे जानेंगे कि ये जो आंदोलन के हालात पैदा हुए हैं इसके पीछे की मूल वजह क्या है जिसे लोग बोलने में झिझक रहे हैं। देखो, झिझकने वाली तो कोई बात नहीं है, कल भी सब लोगों ने कहा है कि कर्नल बैसला इस समाज का लीडर है और जो सर्व समाज को स्वीकार्य है, लेकिन जो उनके सुपुत्र हैं विजय बैसला जी, वो एक तरह से इस आंदोलन के माध्यम से एक समाज का या एक राजनीतिक नेता बनना चाहते हैं। हम उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि लोकतंत्र में नेता को जनता चुनती है, आप ऐसे काम करें जिससे आप लोकतंत्र में अपना वजूद स्थापित करें और आप नेता बने। हम कतई ये नहीं कहेंगे, इसके लिए आप समाज को इस तरीका से यूज ना लें कि आपकी जो मांग थी सरकार ने वो सारी बातें मान ली गई, उसके बाद भी आप ट्रैक पर पहुंच गए। अगर फिर भी कोई कमी रही है तो सरकार पुनः आपसे अनुरोध कर रही है, बार बार कह रही है, तो आप बात कर सकते हैं। आप एक मंत्री को बुलाते हैं, खुद फोन करते हैं, मंत्री को बुला लेते हैं, वो बुलाने के बाद उनसे बात नहीं करते हैं, और इससे हमारे जो क्षेत्र है, बार बार आपने, मैं ये समझता हूँ कि बार बार हम उनके साथ ही थे, हमने वार्ता की है सरकार से और वार्ता के ही उससे समझौते का हल निकलता है। अब की बार हमने क्या किया कि हाँ आंदोलन नहीं हो, हम 80 गांव के पंच पटेल सब इकट्ठे हुए, सबने निर्णय लिया कि क्यों ना हम आंदोलन से पहले एक बार सरकार से बात कर लेते हैं। और इतनी जब हम सरकार से वार्ता करने गए तो हमारी करीब 10 घंटे बातचीत चली, और बातचीत में ये नतीजा निकला कि हमारी सारी बातें सरकार के द्वारा मान ली गई। हमने वहां से आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप कह रहे हैं ना कि एक तरह से नेता बनने के लिए ट्रैक पे पहुंच गए, तो हमारा विशेष आग्रह है कि हम आपकी परमिशन से जयपुर गए थे, आपने ये कहा था कि आप जो कुछ लेके आते हैं मैं आपका स्वागत करूंगा, आप वार्ता के लिए जाएं। हम वार्ता करके आए, सरकार ने हमारी सारी बातें मानी, अब आपसे हमारा विशेष आग्रह 80 गांव प्लस पूरी सरदारी की तरफ से ये हमारा विशेष आग्रह कि आप हमारी बातें माने, आपकी अगर हमारे समझौते में कोई कमी कोई कसर रह गई है तो आप और बात करें, पुनः बात करें, और जो भी कमी रही है तो आप उसको पूर्ति कराएं। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि कोई कमी ऐसी रही नहीं है, फिर भी कोई कमी है तो पुनः बात करें। हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि इस आंदोलन को समाप्त करें जिससे समाज में यहाँ के जो क्षेत्र है इसमें शांति व्यवस्था लागू हो। पता करके आने के बाद भी रविवार को जो कुछ हुआ है वो केवल बेटे की लॉन्चिंग की वजह से है, आप सीधे सीधे में यही बिल्कुल बिल्कुल ये तो क्लियर है, ये मैंने कह भी दिया है आपसे। देखो, ये बात इस तरीका से है कि कर्नल साहब तो उस दिन ट्रैक पे जाने के लिए खुद ही मने कर रहे थे, वो वीडियो में भी है, हमने देखा भी है, लेकिन कुछ ऐसे मनचले लोग हैं, उनको ये पता है नहीं है, हकीकत ये नहीं है कि हमें 5% आरक्षण तो 10 फरवरी 2019 को जब मलयूर ट्रैक रोका था उस टाइम हमारा विधानसभा में बिल पारित हो गया और 13 को गजट नोटिफिकेशन हो गया, आज तक 5% लागू है, लेकिन बहुत से लोग तो यही कह रहे हैं हमें आरक्षण ही नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें आरक्षण बदस्तूर मिल रहा है, और जो भी हमारी जो भर्ती पुरानी भर्ती थी जिनका रिजल्ट नहीं आया उनमें 5% दिया है सरकार ने, उसमें 2297 पद दिए हैं, आगे आने वाली जो कुछ और ऐसे रिजल्ट है जिनमें 1356 के लगभग समथिंग पद और हैं उनमें दिया है। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूछ रहे थे वहाँ पर कि रीट की 54,000 भर्ती थी, लेकिन 54,000 भर्ती में ये 940 पद कैसे ही बने, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया करीब 19,000 भर्ती लेवल फर्स्ट की थी, सेकंड का रिजल्ट तो सितंबर 2018 में आ गया था, तो वो तो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई उसकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि जब तक पहला पोस्टिंग जब दे देंगे ना तभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। हमको दिखाया है सरकार ने कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्टों को हमें आदेश दिखाया सरकार ने, तो हमें माननी पड़ी। अब भर्ती प्रक्रिया जो भी भर्ती है उनका जो भी किसी भर्ती में पोस्टिंग जिसमें एक भी पोस्टिंग नहीं हुआ है उसमें 5% आरक्षण मिलेगा हमें, वो भी तो प्रक्रिया अधीन ही भर्ती है। और जो एक बात और आई थी जो नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती थी 2013 की, उसके बारे में हमसे पूछ रहे थे लोग वहां से फोन करके, तो हमने उसके लिए बताया कि उसको स्पेशल लिखा गया है सरकार द्वारा कि इस पे मुख्यमंत्री से मिलकर